5 मोस्ट कॉमन फर्स्ट टाइम सेक्स मिस्टेक्स। एक पहली बार यौन क्रिया में लिप्त होना उतना हंकी डोरी नहीं है जितना कि पॉप संस्कृति में चित्रित किया गया है। वास्तव में पहली बार सेक्स करना इसके बिल्कुल विपरीत है। यह दबाव से लेकर चिंता तक कई तरह की भावनाओं को सामने लाता है। इसके अलावा किसी को पहली बार यौन क्रिया में शामिल होने से पहले पूरी तरह से जागरूक और जानकार होने की आवश्यकता है। इससे दोनों भागीदारों को यह समझने में मदद मिल सकती है कि हर चीज के बारे में कैसे जाना है और उनके लिए यह बताना आसान हो जाता है कि वे एक दूसरे से क्या चाहते हैं। यहाँ सबसे आम पहली बार सेक्स की गलतियों पर एक नज़र है। 2 पहले इसके बारे में बात नहीं करना। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध में हैं जिसके साथ आप पहली बार यौन संबंध बनाना चाहते हैं, तो पहले से ही सेक्स के बारे में गंभीर बातचीत करें। यह पता लगाना आवश्यक है कि आप दोनों इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी इच्छाएं, जरूरतें और भय क्या हैं, और आपको क्या स्थूल, अजीब या भ्रमित करने वाला लगता है। सेक्स के बारे में दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है और क्या महसूस करता है, यह जानना पहली बार अच्छा होने के लिए सर्वोपरि है। 3 कॉन्डोम का इस्तेमाल न करना। कॉन्डोम जरूरी रोमांचक नहीं है, लेकिन वे महत्वपूर्ण हैं। संभावित गर्भावस्था और यौन संचारित संक्रमणों से सुरक्षित रहना बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही बिना कॉन्डोम का उपयोग किए पहली बार सेक्स करने से आप अगली बार सेक्स करते समय कॉन्डोम को छोड़ना जारी रखने के लिए ललचा सकते हैं और उसके बाद का समय जब तक आप कुछ परिणामों का सामना नहीं करते। 4 सहमति नहीं समझना। सहमति का अर्थ है कि दोनों भागीदारों को लगता है कि दूसरे व्यक्ति के दिल में उनके हित हैं और न ही व्यक्ति इस बात से डरता है कि दूसरा व्यक्ति क्या कर सकता है। यदि आप सहमति को नहीं समझते हैं तो आप अपने साथी को दर्दनाक अनुभव दे सकते हैं जो यौन उत्पीड़न या यहां तक कि बलात्कार के रूप में योग्य हो सकते हैं। 5 अपने साथी पर दबाव डालना। पहली बार सेक्स करना एक अविश्वसनीय रूप से अंतरंग और व्यक्तिगत चीज है, कुछ ऐसा जो आप शायद जीवन भर याद रखेंगे, लेकिन इसमें अपने पार्टनर पर कभी दबाव न डालें। लोगों को तब तक कुछ भी यौन नहीं करना चाहिए जब तक वे तैयार न हों और मांग करने या याचन करने से किसी को तैयार होने का एहसास नहीं होने वाला है। 6 इसके बारे में बाद में डींग मारना। जब आपका पहला यौन अनुभव समाप्त हो जाए तो आप लोगों को इसके बारे में बताने के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि यह अनुभव को नकारात्मक में बदल सकता है, विशेष रूप से आपके साथी के लिए यदि वे इस अंतरंग क्षण के बारे में विस्तृत जानकारी की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार सभी विवरण साझा करने से पहले अपने साथी से जांच लें कि आप दोनों किससे सहमत हैं और कौन नहीं जानते।